गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा अभी हमने एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट करी, जिसमें हमने ये सीखा कि हम किसी भी सॉलिड सरफेस का, सॉलिड फिगर का कैसे लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। और आज हम सीखेंगे कि क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एक बार हम वॉल्यूम पर पहले डिस्कशन एक्सरसाइज 11.3 से पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने उसके फॉर्मूले और एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कैसे किया जाता है वो सीखा था। आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन फॉर्मूले को। वॉल्यूम मीन्स अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट शोज इट्स वॉल्यूम। नाउ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और एंड एरिया ऑफ बेस इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सो वी हैव लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इन सिलेंडर ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। एंड क्यूब इज स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड इन विच लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट्स ऑल आर इक्वल। सो वी गेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.4। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Diameter of cylinder A is 7 cm and the height is 14 cm. Diameter of cylinder B is 14 cm and height is 7 cm. Without doing calculation, can you suggest whose volume is greater? बिना किसी calculation के देख के आप क्या बता सकते हैं किसका volume greater होगा? वेरीफाई इट बाई फाइंडिंग द वॉल्यूम, और फिर उसको वॉल्यूम फाइंड आउट करके वेरीफाई भी करना है, और फिर ये चेक करना है वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। क्या ये बात सही है, इसको चेक करना है हमें। तो यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट 14 है, रेडियस का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होगा। इस केस में 14 का स्क्वायर होगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर, पाई तो दोनों में कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर इंटू हाइट करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो इसकी जो सेकंड केस है इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस हमें डायमीटर 7 था तो रेडियस क्या हो गया, हाफ ऑफ 7, दैट इज 7/2, और हाइट 14 है, 7 से 7 कैंसिल, 2 7s एंड देन 2 11s, सो वी गेट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 539 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज, सिलेंडर बी का रेडियस 7 होगा क्योंकि डायमीटर 14 है तो उसका हाफ, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, और हाइट भी हमारे पास 7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 7 49 मल्टीप्लाइड बाय 22, दैट इज 1078 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि वॉल्यूम जो है सिलेंडर बी का ज़्यादा है। नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr r + h, सो 2πr 7/2 है, h हमारा r 7/2 और h हमारा 14 है सिलेंडर ए के लिए, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये 22, और यहाँ पे आ गया आपके पास 28 + 7, दैट इज 35/2, मल्टीप्लाई करके 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी तरह से हम सिलेंडर बी का फाइंड आउट करेंगे। सिलेंडर बी के लिए रेडियस 7 है और हाइट भी 7 है,
सो कैलकुलेशन में 7 कैंसिल आउट हो गया हमारा, सो 2 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाई 14 आ गया, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि सिलेंडर बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब जिस सिलेंडर का यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था उसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर। उस क्यूबॉइड की हाइट फाइंड आउट करनी है जिसका बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उसका वॉल्यूम 900। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को बेस एरिया के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, बेस में एक साइड लेंथ हो गई एक साइड ब्रेथ, तो एरिया ऑफ बेस लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, ये 180 दिया है, वॉल्यूम 900 है एंड वी हैव वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हो गया, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और एल इंटू बी हमने यहाँ से लिखा 180 है, तो एल इंटू बी की जगह 180 पुट किया। अब हमें एच फाइंड आउट करना है, तो 180 को दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो ट्रांसपोज करने पे ये डिवाइड में आएगा, सो एच इक्वल 900 बाय 180 दैट इज 5 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।